हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब? मैं हूँ द स्पाई जोन, आ चुका हूँ नई दूसरी वीडियो लेके। आज की जो जर्नी है वो है हमारी 12217 केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि कोच्चिवली से होके जाती है चंडीगढ़ तक। तो आज जो हमारी ड्यूटी है वो वसाई रोड से आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? वसाई रोड पे मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी मेरे साथ, मतलब आप खुद ही देख लेना आगे चल के। और एक और बात, आपको मेरा प्रीसेट कैसा लगा जो मैंने आपको प्रीसेट शेयर करा था पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट में बताना वो वाले प्रीसेट के बारे में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ नीचे डिस्कॉर्ड लिंक है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो भाई लोग, ट्रेन तो मैं स्लो चला ही रहा होता हूँ, बहुत धीरे धीरे चला रहा होता हूँ, क्योंकि आगे जो है वो है वसाई रोड और वो हमारा अगला स्टॉप है। 1.5 किलोमीटर दूरी है। इतने में गाइस आगे से आ रहा होता है एक पार्सल ट्रेन, आई गेस ये वैग 9 के साथ आ रहा है। गमों का वैग 9 है ये, और हाँ जी गमों का ही वैगन आइन है ये। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइस, गमों का वैगन आइन एकदम साफ़ सुथरा। ये और ये पीछे एक गंदा सा वैगन आइन, आई गेस थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया है इसने भाई। इतने में पीछे से एक ट्रेन हॉर्न मार रहे भाई बहुत तेज। मैं जैसे ही देखता हूँ पीछे कौन सी ट्रेन आ रही है, ओहो ये तो 09061 मुंबई सेंट्रल बरौनी स्पेशल फेयर है, समर स्पेशल ट्रेन। ये तो नहीं रुकने वाली भाई वसाई रोड पर, जैसे कि इसके हॉर्न के नतीजे हैं भाई। हरकतें इसके ऑन के ऐसे हैं कि ये रुकेगी नहीं भाई, ये हमको ओवरटेक करके ही निकलेगी। तो भाई इस ओवरटेक को आप इन्जॉय करो, क्योंकि भाई ये तो रुकने नहीं वाली है। इसके इसने पहले ही हॉर्न देके बता दिया कि मैं नहीं रुकने वाला भाई, इधर तुमको जो करना है कर लो। ओ भाई मतलब अमेजिंग भाई, क्या अच्छा ओवरटेक करा उसने और क्या मज़े आए भाई इस ओवरटेक में। मतलब क्या ही प्यारा हॉर्न और क्या ही प्यारा ट्रैक साउंड। तो गाइस ये अगर ओवरटेक आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको ये ओवरटेक कैसा लगा। तब तक के लिए मैं स्पीड को स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि हमें वसाई रोड पर रुकना है ताकि पैसेंजर चढ़ सके और उतर सके। उसके बाद देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है, ठीक है? भाई मैं ट्रेन को रोक ही रहा होता हूँ, इतने में भाई एक और क्रॉसिंग मिल जाती है मुझे, जिसका ट्रेन नंबर है 12932 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। भाई साहब ये भी हमें क्रॉस कर रही है हमारे वसाई रोड पे अराइव करते करते। और एक और बात, आप मुंबई तरफ जा रहे हो और आपको मुंबई लोकल्स ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। इतनी सारी लोकल्स यहाँ से क्रॉस होगी ना अभी, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इस लोकल क्रॉसिंग्स को देख के। तो गाइस ब्रेक मैं अप्लाई कर देता हूँ इधर, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना होता है। हमारा यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज होता है, ठीक है? तो 10 मिनट का स्टॉपेज है मतलब ट्रेन तो आएंगी और जाएंगी ना। तो अब देखते हैं गाइस कौन कौन सी ट्रेन आती है, कौन कौन सी ट्रेन जाती है, और मज़े करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले ट्रेन तो हमें जो यहाँ पे क्रॉस कर रही है वो कोई फ्राइट ट्रेन है, जो कि हमें क्रॉस कर रही है हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस क्रॉसिंग के भी मज़े लेते हैं और ट्रैक साउंड के भी मज़े लेते हैं।
मैं तो वेट कर ही रहा था क्योंकि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो 10 मिनट का है, ठीक है। लेकिन इतने में ही 22194 ग्वालियर वीकली एक्सप्रेस आ जाती है, जिसको जिसका स्टॉप भी हमारा वसाई रोड पर है, तो हम इसके अराइवल भी देखेंगे। वीकली एक्सप्रेस ट्रेन तो अराइव कर ही रही होती है हमारे वसाई रोड पे। इतने में पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है, मैं पीछे ही देख रहा होता हूँ तो सबसे पहले मुझे ईएमडी नज़र आता है। ईएमडी का हॉर्न तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद ही मैं उसके पीछे देखता हूँ तो वेब 7 होता है, और वो ट्रेन होती है पश्चिम एक्सप्रेस, जो कि भाई स्किप करते हुए निकल जाती है हमें थोड़ी देर में ही। तो गाइस ये वाली ओवरटेक भी हम इंजॉय करेंगे एंड मज़े लेंगे स्किप का। तो जो ईएमडी मुझे सबसे पहले दिखी थी पश्चिम एक्सप्रेस से, वो भी आ रही होती है हमारे मेन लाइन पे। पता नहीं इसको मेन लाइन पे कैसे भेज दिया, और शायद इसका आगे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी या कुछ, ये नहीं पता। लेकिन इस ईएमडी को भी हम क्रॉस करते हुए देखेंगे अपने आप को, और इन्जॉय करेंगे इस क्रॉसिंग का भी। मुझे तो लगा था ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी क्योंकि ये मेन लाइन पर है। पता नहीं ये ट्रेन क्यों रुक गई, शायद आगे से कोई ओवरटेक या क्रॉसिंग आ रहा होगा। तो गाइस वेट करते हैं अपने डिपार्चर के वक्त का भी, और देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस या फिर ओवरटेक करती है। थोड़े समय बाद इस ट्रेन को भी सिग्नल मिल जाता है और ये फ्राइट ट्रेन यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देती है। इसके निकलते निकलते ही मुझे एक हॉर्न की आवाज़ आती है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ उस ट्रेन के क्रॉस होने का कि ये कौन सी ट्रेन है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक तेजस है, तेजस राजधानी। तो
तो प्लीज़ बताना कि ये कौन सी तेजस है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है इस समय पर। तो इस क्रॉसिंग के भी मज़े लेते हैं गाइस। तो भाई मुझे फ्राइट ट्रेन ओवरटेक करके चली गई और तेजस ने भी मुझे क्रॉस कर दिया और पीछे से हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है। तो गाइस देखते हैं कौन सी ट्रेन हमको ओवरटेक करने वाली है, क्योंकि ये जो हॉर्न मार रहा है ना भाई, ये तो रुकने नहीं वाला दोबारा से। तो ये जो ट्रेन है गाइस, ये है 12216 बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि भाई V5 के साथ फुल्ली एकदम हॉर्न मारते हुए हमें क्रॉस कर रही है। भाई आज तो ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, जो भी आ रहा है हॉर्न मारते हुए ओवरटेक करके जा रहा है, फ्राइट ट्रेन भी ओवरटेक करके गई। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। ओहो, फाइनली अपनी ट्रेन को मिल चुका है सिग्नल और हम यहाँ से अब डिपार्चर कर सकते हैं। भाई मैं यहाँ से डिपार्ट कर ही रहा था स्लोली स्लोली कि मैंने देखा कि मैं यहाँ से डिपार्ट कर रहा हूँ और दूसरी बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस अराइव कर रही है सेम टाइम पे जब मैं डिपार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस मेरा तो भाई वसाई से डिपार्चर हो चुका है, अब मैं जाता हूँ अगले स्टॉप की तरफ। गाइस ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे का पार्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताना और सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अडियोस अमीगोज़।